हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की है। एक्सेस के एसक्यूएल व्यू में कैसे काम करना है, कैसे टेबल बनाए, इसके लिए वीडियोस मैंने बनाए हैं। लेकिन टेबल बनाने को लेकर के और कितने कैरेक्टर्स हम टाइप कर सकते हैं, इन सब को लेकर के एक डिटेल में वीडियो नहीं थी, तो आज की ये वीडियो इसी को लेकर के है। और आज के इस वीडियो से आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे हम एसक्यूएल व्यू में काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करना है और यहां पर क्रिएट पे करना है क्लिक। अब जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आ जाएंगे और हमारे पास एक टेबल आ जाएगी। और इस वीडियो में हम ये भी सीखेंगे कि बिना टेबल बनाए कैसे हम डेटा एंटर कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो टेबल है ना, इसको मैं हटा देता हूं, पहले इसको क्लोज कर देता हूं और फिर यहां से मैं इसको हटा दिया मैंने। देखिए अब टेबल कोई भी मौजूद नहीं यहां पे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, डायरेक्टली क्रिएट पर क्लिक करना है और क्रिएट पर क्लिक करने के बाद सीधा चलना है क्वेरी डिजाइन पर। यहां आ गए क्वेरी डिजाइन पर और इसको क्लोज कर दीजिए। तो यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा एसक्यूएल व्यू, इस पर क्लिक कर दीजिए और अब यहां पर आपको टेबल क्रिएट करना है। तो यहां पर लिखना है क्रिएट टेबल। टेबल बनाने के लिए यही लिखा जाता है कोड, क्रिएट टेबल। और मान लीजिए हमको प्रोडक्ट का टेबल बनाना है, तो यहां पे मैंने कर दिया है प्रोडक्ट टी, यानी कि प्रोडक्ट की टेबल। तो ये कर दिया हमने प्रोडक्ट टी, टी को कैपिटल रखते हैं ये लाइक इस तरीके से प्रोडक्ट टी, ठीक है। तो ये हो गया प्रोडक्ट का टेबल। अब ये तो हमारे टेबल का नाम हो गया। अब यहां पर स्मॉल ब्रैकेट को करिए ओपन और यहां पर क्या क्या देना, क्या क्या चाहते हैं, लाइक यहां बनाएंगे प्राइमरी की। तो प्राइमरी की बनाएंगे तो यहां पर पहले एम्प्लॉय आईडी लिख देता हूं सही से, अंडरस्कोर आईडी। इसको प्राइमरी की बनाने के लिए यहां पर लिखना होगा हमें नॉट नल, तो ये लिख देता हूं नॉट नल, जिस तरह से मैं लिख रहा हूं बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और फिर यहां लिखना होगा प्राइमरी की। अब प्राइमरी की तो बताने की जरूरत नहीं कि ये होती क्या है, ठीक है। तो आपको भी इसी तरह से प्राइमरी की लिख देना है, प्राइमरी की, ओके। तो ये हमने लिख दिया प्राइमरी की। और अब प्राइमरी की लिखने के बाद हमें क्या करना है, हमें सिंपली यहां पर कॉमा लगाना है। तो कॉमा लगा देते हैं, एंटर प्रेस कर देते हैं, ठीक है। और एंटर प्रेस करने के बाद जैसे ही नीचे आएंगे तो अब नाम होम आएगा। तो नाम होम अगर लिखना चाहते हैं तो यहां पे दे दीजिए, लाइक यहां पे देता हूं लास्ट नेम, लास्ट अंडरस्कोर कर देता हूं नेम, ठीक है। और ये जो है कौन सा डेटा टाइप इसमें लगाएंगे, तो यहां लगाता हूं मैं वेयर कैर, ठीक है। ये डेटा टाइप यूज किया। और नाम में कितने कैरेक्टर्स होंगे, मैक्सिमम मैं यहां पे लिखता हूं 7 कैरेक्टर्स, ठीक है। 7 कैरेक्टर से ज्यादा आप नहीं एंटर कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो अभी दिखाता हूं, पहले ये कोडिंग कर लेने दीजिए। फिर यहां पे लिखूंगा फर्स्ट नेम, तो यहां लिख देता हूं FIREST फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। तो ये हो गया फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम दोनों हो गया। अब यहां पे देंगे वेयर कैर इस तरीके से और यहां पर ब्रैकेट को ओपन करेंगे। इस बार 5 ही कैरेक्टर देता हूं, तो लास्ट फर्स्ट नेम में 5 कैरेक्टर, लास्ट नेम में 7 कैरेक्टर से ज्यादा आप नहीं लिख सकते। अब मान लीजिए कि आपको इतना ही लिखना हो और अब कुछ न लिखना हो तो आगे हम कैसे क्या करेंगे, आइए देख लेते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर सब कुछ अब हमें क्लोज करना है, ठीक है। अब हमको कुछ लिखना नहीं है, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो अब हमें यहां पर जो नीचे कॉमा देना था, अब हम कॉमा नहीं देंगे, यहां पे इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ये लास्ट वाला जो है ना ऐसे ही छोड़ देंगे। ऊपर कॉमा रहेगा लेकिन नीचे कॉमा अब नहीं रहेगा। और यहां पर ये स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, ठीक है। और क्लोज कर देने के बाद क्या करना है हमें, क्लोज कर देने के बाद, और चूंकि प्रोडक्ट दिया है तो यहां पर हमने डेटा टाइप मेंशन नहीं किया, यहां पर हम इंटीजर डेटा टाइप दे देते हैं, ठीक है। ये डेटा टाइप हमने छोड़ दिया था, तो INT int लगाना। तो इसको अब ये पता चल गया कि इंटीजर डेटा टाइप है, तो बस अब ये हो गया, अब ये बन गया आपका, ठीक है। और इसके बाद अब रन पे क्लिक कर दीजिए तो ये आ गया है यहाँ पे। अब डबल क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से आया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये कोडिंग करने के परिणाम स्वरूप, फलस्वरूप ये रिजल्ट जो है कुछ इस तरह का आया हुआ है। तो अब यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी टाइप कीजिए 1, ठीक है। एम्प्लॉय का लास्ट नेम, जैसे मान लीजिए मैं टाइप कर देता हूँ तिवारी, ठीक है। और यहाँ पे टाइप कर देता हूँ सूरज, और यहाँ पे टाइप करता हूँ फिर 2, और यहाँ पे टाइप करता हूँ लास्ट नेम गुप्ता, यहाँ पे टाइप करता हूँ आनंद ANAND, ठीक है। यहाँ पे टाइप करता हूँ 3, और यहाँ पे टाइप करता हूँ लाइक निगम, और यहाँ पे टाइप करता हूँ प्रमोद, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लिख पा रहे हैं, लेकिन क्या हम बड़ा नाम यहाँ पे लिख पाएंगे, लाइक
किसी का नाम काफी बड़ा हो, कुमार लगा के वो लिखता हो, ऐसे कंडीशन में लास्ट नेम या फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम में देखते हैं लिख पाते हैं या नहीं, लास्ट नेम भी देख लेते हैं, क्योंकि लास्ट नेम में 7 कैरेक्टर मैक्सिमम थे और फर्स्ट नेम में 5 कैरेक्टर मैक्सिमम थे, तो अभी तक तो हमने 5 ही कैरेक्टर मैक्सिमम लिखे हैं फर्स्ट नेम में, और लास्ट नेम में तो 7 कैरेक्टर आया ही नहीं, ठीक है। तो यहां पर लास्ट नेम में मैं देता हूं कुमार सिंह, SING, ठीक है, ये देखिए यहां पर गैप दिया SIN। अब देखिए यहां पर आगे हम टाइप ही नहीं कर पा रहे हैं, देखिए कितना भी मैं लिखने की कोशिश करता हूं तो आगे ये टाइप हमें करने नहीं देगा, क्योंकि वहां पर हमने वैलिडेशन दे दिया था, फील्ड साइज निर्धारित कर दिया था कि इतने ही तक रहेगा, ठीक है। तो यहां पर खाली हम लिख सकते हैं सिंह, 7 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं। अब मान लीजिए किसी का नेम है मानवेंद्र, तो यहां पर लिखता हूं मैं मानवेंद्र। अब देखिए ये आगे टाइप ही नहीं करने देगा हमको, ठीक है। तो नाम का जो आप साइज देंगे, फील्ड साइज देंगे, उसी के हिसाब से यहां नाम भी आप लिख पाएंगे। लेकिन यहां पे अब दे देता हूं मैं ईशा, ESHA। तो अब देखिए ये हम टाइप कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर बात करें 5 कैरेक्टर से ज्यादा की, तो यहां पर फर्स्ट नेम में 5 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं टाइप कर पाएंगे, और यहां पर 7 कैरेक्टर से ज्यादा आप टाइप नहीं कर पाएंगे। तो आई होप कि बात समझ में आई होगी कि ये कोडिंग कैसे करनी है। SQL सर्वर पर भी जल्द ही वीडियो लेकर आ रहा हूं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।